Very good morning to all of you. Today I'm here to discuss on the topic that is basics of phytochemistry. So in this lecture, we will study what is phytochemistry. Phyto means plant. Chemistry means the chemical constituents present in the plants. So what are the basics of phytochemistry you will be able to know after listening to this session. So now let's start with the phytochemistry. The main contents are modern method of extraction. किस किस मेथड से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अगर किसी भी आपके प्लांट सैंपल में है. देन एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्निक्स लाइक द स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस इन द आइसोलेशन, कैसे आप अलग करेंगे, प्योरिफिकेशन, फिर उसकी प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं, एंड देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स. सो एक्सट्रैक्शन फर्स्टली क्या होता है? एक्सट्रैक्शन का मतलब है बाहर निकालना, ठीक है. तो इट इज अ मेथड ऑफ रिमूविंग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स. एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं? वो वाले कॉन्स्टिट्यूएंट जिनकी वजह से फार्माकोलॉजिकल जो थेरेप्यूटिक यूज है बिकॉज ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लोव का डेंटल एनाल्जेसिक है, उसके अंदर यूजिनोल प्रेजेंट है, ठीक है, तो यूजिनोल के अलावा और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बट यूजिनोल की वजह से उसका थेरेप्यूटिक एक्शन आ रहा है. सो यूजिनोल इज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट. From a solid or liquid by means of liquid solvent. So extraction क्या हुआ? वो method है remove करने का active constituent को solid या liquid किसी भी solvent के help से. Or it can be defined as the process of isolation of soluble material from an insoluble residue by treatment with the solvent. And it is done for the separation of medicinally active portion. क्या हम separate करते हैं इसमें हमारा मेडिसिनली एक्टिव जो पोर्शन है प्लांट का और एनिमल टिश्यू फ्रॉम द इनएक्टिव और इनर्ट कॉम्पोनेंट्स बाय यूजिंग सेलेक्टिव सॉल्वेंट्स. एंड इन दिस मेथड द वांटेड कॉम्पोनेंट, जो हमें चाहिए हैं कॉम्पोनेंट्स को, उनको डिजोल्व कर लिया जाता है सेलेक्टेड सॉल्वेंट्स के अंदर. उस सॉल्वेंट को हम बोलते हैं मेंस्ट्रम, और जो अनडिजोल्व ऊपर रह जाता है उसको हम बोलते हैं मार्क. और एक्सट्रैक्शन जब कर लेते हैं द अनवॉन्टेड मैटर इज रिमूव को निकाल लेते हैं और दैट इज लेफ्ट बिहाइंड होता है मार्क. तो अब एक्सट्रैक्ट क्या होता है, मार्क क्या होता है और मेंस्ट्रम, थ्री वर्ड्स, थ्री टर्म्स हैं ये. एक्सट्रैक्ट मींस द प्रिपरेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स, जो आपके पास क्रूड ड्रग्स हैं उनका प्रिपरेशन जिसके अंदर सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, विच कंटेन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर सोल्यूबल इन द सॉल्वेंट. देन मार्क, मार्क क्या होगा? मार्क इज द सॉलिड रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड after the extraction, जो ऊपर बच जाता है. And then menstruum is a solvent used for the extraction. Menstruum क्या होता है? जो solvent होता है हमारा extraction में हम use करते हैं. Next is extraction is a process of efficiently dissolving and separating the desired constituents from the crude drug with the use of solvent. हम क्या करते हैं इसके अंदर? एक ऐसा process है जहां पर हम efficiently dissolve करते जाते हैं या separate कर देते हैं desired अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्रूड ड्रग्स में से सॉल्वेंट की हेल्प से. इट इज कंट्रोल्ड बाय द मास ट्रांसफर एंड प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर यूजली कंटेन्ड इनसाइड द सेल्स. प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहां पर होते हैं? सेल्स के अंदर. इसलिए सॉल्वेंट्स आर यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन मस्ट डिफ्यूज इनटू द सेल. इसलिए उन सॉल्वेंट्स को ध्यान रखते हैं जो कि सेल के अंदर जा सके टू डिजोल्व द डिजायर्ड कॉम्पोनेंट्स कंपाउंड्स वेयर अपॉन द सोल्यूशन मस्ट पास द सेल वॉल इन द अपोजिट डायरेक्शन and mix with the surrounding liquid. एक equilibrium maintain होना चाहिए between the solute inside the cells and the solvent surrounding the fragmented plant tissue. And the choice solvent की किसके ऊपर depend करती है? Upon the characterization of the secondary metabolites. जैसे उसकी polarity क्या है, pH क्या है या thermal stability कैसे. For example, ये कुछ list दी हुई है हमें success solvents के useful for extraction according to their polarity or boiling point. For example, एक है according to polarity, देखें हम acetic acid, acetone, acetonitrile, इनकी polarity ये increasing order में दे रखे. acetonitrile है, butanol, carbon tetrachloride की सबसे कम है, polar है वो, ठीक है. water का polarity इससे ज्यादा है, then hexane का है polarity zero है, boiling point उसका 69 है. हम basically use करते हैं water universal solvent है, उसकी polarity 9 है. मिथेनॉल यूज करते हैं हम 5.1, इथेनॉल यूज करते हैं, डाईथाइल ईथर करते हैं, इथाइल एसिटेट कर रहे हैं हम,
है, इथेनॉल कर रहे हैं हम, तो अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी वी कैन चूज। तो आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए सॉल्वेंट्स की? एक तो वो हाईली सेलेक्टिव होना चाहिए कंपाउंड टू बी एक्सट्रैक्टेड, जिसको हम करने जा रहे हैं उसके लिए हाईली सेलेक्टिव होना चाहिए। देन नोट रिएक्ट विद एक्सट्रैक्टेड कंपाउंड और विद अदर कंपोनेंट्स, और रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, लो प्राइस का होना चाहिए, बी हार्मलेस टू द मैन और एनवायरमेंट के लिए हार्मलेस होना चाहिए, बी कंप्लीटली वॉलेटाइल, क्योंकि जब हम एक्सट्रैक्शन कर लें, जब कॉन्स्टिट्यूएंट आ जाए तो हम बाद में क्या करते हैं, अपने जो सॉल्वेंट था उसको वॉलेटाइल हो जाए बॉइलिंग करने के बाद, वो उसका कंटेंट नहीं रहे, शुड नॉट अप मिक्स अप विद द वाटर, वाटर के साथ मिक्स नहीं हो, शुड हैव द बिग कैपेसिटी इन रिलेशन टू द एक्सट्रैक्टिव, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द वाटर डेंसिटी, जो वाटर डेंसिटी है उनका डिफरेंट होना चाहिए, देन सोल्यूबल शुड हैव अ मिनिमम विस्कोसिटी, गाढ़ापन नहीं होना चाहिए उसके अंदर। चॉइस ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड से, आपने सॉल्वेंट तो एक्सट्रैक्शन के लिए कर लिया अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी, अब एक्सट्रैक्शन मेथड हम कैसे चूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सैंपल साइज, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ द एक्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड, कितना आपको एक्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड है, देन एक्सट्रैक्शन टाइम कितना चाहिए, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट एंड द कॉस्ट, देन ड्राइंग ऑफ द क्रूड ऑयल। सबसे पहले आप क्या करते हैं, इट इज नेसेसरी टू अवॉइड माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। सबसे पहले तो क्या देखना है आपको कि कोई उसमें माइक्रोब ना हो, बैक्टीरिया कुछ ऐसा नहीं आना चाहिए, फॉरेन मैटर ना हो, देन आफ्टर कलेक्शन एंड बिफोर ड्राइंग, अनलेस स्पेसिफाइड ड्रग शुड बी ड्राइड बिलो 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस से पहले आपको ड्राई करना है, शेड ड्राइंग कर सकते हैं, लेस एक्सपोजर टू हीट होगा, लेस चांसेस टू केमिकल ऑल्टरेशन नहीं हो सकते, सन ड्राइंग सबसे एफिशियंट तो है ही, इकोनॉमिक भी है, यूज लेस इंटेंस सनलाइट होनी चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं हो, फार इंफ्रारेड ड्राइंग IR लेस एक्सप्लोर्ड है, ये कॉस्टली होते हैं, एक्सपेंसिव ड्रग्स के लिए होते हैं, वैक्यूम ड्राइंग, लो प्रेशर रैपिड ड्राइंग मेथड है ये, और थर्मोलेबाइल के लिए होता है बिकॉज वो नहीं तो जल्दी से खराब हो जाते हैं, ओवन और हॉट एयर ड्राइंग, ओवन में ये यूजली ओपनली हम यूज करते हैं। देन आता है स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन में सबसे पहले क्या करना है, साइज रिडक्शन करनी है, साइज को छोटा करना है, जिससे कि यह सरफेस एरिया को हम बढ़ा सके, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इंक्रीज करेंगे मास ट्रांसफर, 30-40 मैश साइज इज द ऑप्टिमम, इतने मैश साइज से वो पास आउट हो जाए आपको, इतना सैंपल का साइज रखना है, देन एक्सट्रैक्शन करना है, मेसिरेशन, परकोलेशन, सॉक्सलेशन, जो भी मेथड फिजिबल है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऑफ द ड्रग आप वो मेथड फॉलो कर सकते हैं, फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन मसलिंग क्लोथ से, फिल्टर प्रेस से या फिल्टर पेपर से करेंगे, उसके बाद हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट अभी पता है कि वॉलेटाइल होना चाहिए, इवेपोरेशन कर देंगे, फिर हॉट एयर ओवन में कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि उसके वॉल्यूम हमें कम करना है, वैक्यूम चैम्बर में ड्राइंग कर सकते हैं या रोटरी वैक्यूम वैपोरेटर है, ड्राइंग में फिर स्प्रे ड्राइंग, उसके बाद हम ड्राइंग करेंगे। सबसे पहला मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन आता है आपका मेसिरेशन। मेसिरेशन क्या होता है, इट मींस सोकिंग, इसमें हम क्या करेंगे, सोक करते हैं द होल और द कोर्सली पाउडर, मोटा मोटा पाउडर कर लोगे आप क्रूड रग का, वो आपने कहाँ रखना है, स्टॉपर्ड कंटेनर के अंदर, एक सॉल्वेंट लेना है, स्टॉपर्ड कंटेनर होगा उसके अंदर आपको क्रूड रख लेना है, उसको रख देना है रूम टेम्परेचर पे फॉर अ पीरियड, एटलीस्ट 3 दिन के लिए आप रख दोगे, बीच बीच में एजिटेट उसको हिलाते रहोगे अंटिल द सोल्यूबल मैटर गेट डिसॉल्व, जो मैटर डिसॉल्व होना वो डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 3-7 डेज के पीरियड के बाद मिक्सचर स्ट्रेन, उसको छान लेंगे हम, मार्क जो ऊपर बच्चे का द डैम्प सॉलिड मटेरियल, उसको प्रेस कर देते हैं ताकि उसके अंदर भी जितना भी सॉल्वेंट आया वो हम प्रेस करके निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, द कंबाइंड लिक्विड्स आर क्लेरिफाइड बाय द फिल्ट्रेशन और डीकेंटेशन आफ्टर स्टैंडिंग, जो लिक्विड कंबाइन करेंगे हम, जो हमने प्रेस किया था उसको क्लेरिफाई कर देंगे, साफ कर देंगे फिल्ट्रेशन से, या फिर डीकेंट कर रहे हैं आफ्टर स्टैंडिंग, थोड़ी देर रख देते हैं तो जो भी पार्टिकल्स होते हैं नीचे बैठे ही रहेंगे और ऊपर वाला हम ले लेंगे, एंड दिस मेथड इज बेस्ट सुटेबल फॉर यूज इन केस ऑफ थर्मोलेबाइल ड्रग्स, क्योंकि इसमें हीटिंग नहीं कर रहे तो थर्मोलेबाइल के लिए बहुत अच्छा है मैसिरेशन। मॉडिफिकेशंस हैं कुछ मैसिरेशंस के लिए, मॉडिफाइड मैसिरेशन इज यूज फॉर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग लाइक गम्स है या रेजिन है, तो वो क्या है, मॉडिफाइड मैसिरेशन होता है।
इसमें हम प्रेसिंग इज अवॉइड, प्रेसिंग को अवॉइड करते हैं. फ्रेश मेंस्ट्रम इज यूज टू वॉश मार्क एंड मेक द वॉल्यूम. तो फ्रेश मेंस्ट्रम होगा उसी से हम वॉल्यूम मेकअप करते हैं. देन मल्टीपल मेसिरेशन आता है, एक था मॉडिफाइड मेसिरेशन में. नेक्स्ट इज मल्टीपल मेसिरेशन, इसमें हम क्या करते हैं, इट इज टू ऑब्टेन कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट. टोटल जो मेंस्ट्रम है आपका डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल में, दो पार्ट्स या थ्री पार्ट्स में, जिसको बोलते हैं डबल मेसिरेशन. अगर टू पार्ट्स में करें, थ्री पार्ट्स में किया तो उसको बोलते हैं ट्रिपल मेसिरेशन. एंड ईच पार्ट इज यूज फॉर मेसिरेशन सेपरेटली. देन वैक्यूम मेसिरेशन, वैक्यूम मेसिरेशन में क्या होता है, व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू डिजायर्ड एक्सटेंट. जब प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, हम वैक्यूम मेसिरेशन में क्या करते हैं, प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप. मेंस्ट्रम एलो टू एंटर होता है, जिससे कि परमेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और एक्सट्रैक्शन टाइम है वो भी कम हो जाता है. तो ये एक था आपका मॉडिफाइड मेसिरेशन में, जिसमें मार्क नहीं करना. थर्ड सेकंड है मल्टीपल मेसिरेशन, जिसमें दो या तीन पार्ट्स में कर लेना और बाद में ईच पार्ट इज यूज्ड फॉर मेसिरेशन सेपरेटली. देन वैक्यूम मेसिरेशन होता है. काइनेटिक मेसिरेशन, द वेसल इज एजिटेटेड इन कॉन्स्टेंट मोशन फॉर फर्स्ट 24 आवर्स. काइनेटिक मतलब मूवमेंट रहेगी, ठीक है. यूजली हम बीच बीच में फ्रीक्वेंटली एजिटेट करते हैं. 20-50% मोर यील्ड, यूजली इसकी यील्ड बढ़ जाता है. रीमेसिरेशन होता है, फर्स्ट मेसिरेशन इज कैरिड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रम फॉलोड बाय द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट. देन सर्कुलेशन मेसिरेशन, सॉल्वेंट इज कंटिन्यूसली सर्कुलेटेड बाय द पंप. ये थे आपके मेसिरेशन के टाइप्स. नेक्स्ट मेथड है परकोलेशन. अभी हमने पढ़ लिया मेसिरेशन, सेकेंड मेथड इज परकोलेशन. परकोलेट का मतलब होता है पास थ्रू. ये आपको साइड में पिक्चर दिख रहा है, ये परकोलेटर है, कोनिकल परकोलेटर. इसमें हम क्या करते हैं, इट इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट. इसमें क्या रहता है, कंटिन्यूअस फ्लो रहता है सॉल्वेंट का थ्रू द बेड ऑफ द क्रूड ड्रग मटीरियल. इसमें देखो ऊपर से हम डालते रहते हैं, कंटिन्यूअस फ्लो रहेगा. इट इंप्लाइज अ स्लो पैसेज ऑफ मेंस्ट्रम, धीरे धीरे स्लो पैसेज रहता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी थ्रू द कॉलम ऑफ द ड्रग पाउडर. एंड दिस ड्यूरिंग दिस मूवमेंट इट गोज ऑन एक्सट्रैक्टिंग द ड्रग मॉलिक्यूल्स लेयर वाइज. एक्सट्रैक्टिंग लिक्विड है, ये हर्ब है, फिल्टर पेपर की लगाते हैं, बीच में परफोरेटेड प्लेट होता है, ये आता रहता है, ये ड्रग में से जो कॉन्स्टिट्यूएंट है निकालते, इसके ऊपर गिरता है और यहाँ से ले लेता है. एंड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट इट गोज ऑन एक्सट्रैक्टिंग द ड्रग मॉलिक्यूल लेयर वाइज. इन परकोलेशन द ड्रग इज एग्जॉस्टिवली एक्सट्रैक्टेड बाय द फ्रेश मेंस्ट्रम. जब ड्रग एग्जॉस्ट हो जाता है तो ऊपर से हम डालते रहते हैं फ्रेश मेंस्ट्रम को और वहां से उसको ले नीचे से लेते रहते हैं. धीरे 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 यहाँ से डलेगा और हर्ब्स के ऊपर आएगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्ट आउट करेगा. परफोलेटेड प्लेट है मतलब होल्स हैं, यहाँ से आएगा, जब इकट्ठा हो जाएगा तो ड्रेन वॉल्व हम खोल देते हैं और नीचे से एक्सट्रैक्ट आ जाएगा आपका. कहते करते कैसे हैं, देखिए मॉइस्चर द ड्रग विद सफिशियंट क्वांटिटी. इफ मेंस्ट्रम है तो पहले ड्रग को आपने थोड़ा सा गीला कर लेना है, 4 घंटे के लिए उसको क्लोज वेसल में डाल देना है, फिर उसके बाद पैकिंग करनी है. बिकॉज जितना अगर उस ड्रग ने स्वेल करना है, अगर उसके अंदर कोई ऐसा कंटेंट है तो क्या होता है कि वो कर जाए, नहीं तो अदरवाइज परकोलेटर क्या है, ब्लॉक हो जाता है, क्लोट हो जाएगा. उसको परकोलेटर में कर देंगे, परकोलेटर में पैक करने के बाद सफिशियंट मेंस्ट्रम डालेंगे, सैचुरेट द ड्रग. जब उसके बाद क्या होगा, लिक्विड स्टार्ट ड्रॉपिंग आउट, क्लोज आउटलेट को क्लोज कर देंगे एक बार, जब नीचे लिक्विड गिरने लगेगा फिर क्या करेंगे, सफिशियंट मेंस्ट्रम डालेंगे, एक लेयर ऊपर की तरफ बन जाए, फिर उसको 24 घंटे के लिए फॉर आर 24 आवर्स वन डे कंप्लीट उसको खड़ा रहने देंगे वहीं पर. जिससे क्या होगा, मेंस्ट्रम और जो ड्रग है आपका कॉन्टेक्ट में रहेंगे. तो उसके बाद अलाउड टू परकुलेट अंडर 3rd-4th ऑफ द फाइनल एक्सट्रैक्ट वॉल्यूम है, वो परकुलेट होता रहेगा. 3/4 हम वॉल्यूम ले लेंगे, प्रेस करेंगे फिर मार्क को और मिक्स द लिक्विड विद एक्सट्रैक्ट. फिर फाइनल जो वॉल्यूम है उसको एडजस्ट कर लेंगे एंड क्लैरिफाई कर लेंगे अगर फिल्ट्रेशन करने की जरूरत है तो फिर उसकी फिल्ट्रेशन कर लेते हैं. मॉडिफिकेशन अब इसमें क्या क्या हो सकती है, इंटरमीडिएट परकोलेशन क्या होता है, इसमें 24 आवर मैसिरेशन रहता है और 12 आवर मैसिरेशन आर ऑल्टरनेटेड विद परकोलेशन टू इफेक्ट एक्सट्रैक्शन. देन रीपरकोलेशन होता है, इसमें ड्रग को हम डिवाइड करते हैं 4-5 लॉट्स में, फिर परकोलेशन करते हैं. एक्सट्रैक्ट इज यूज एज मेंस्ट्रम फॉर नेक्स्ट लॉट, नेक्स्ट के लिए हम यूज करते रहते हैं. सेम मेंस्ट्रम फॉर एवरी न्यू लॉट, सेम मेंस्ट्रम रहेगा हर लॉट को, हम ड्रग को लेंगे वही मेंस्ट्रम यूज करते रहते हैं ताकि जिस मेंस्ट्रम में जितना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो आते रहे. हॉट परकोलेशन
परकोलेशन एट एलिवेटेड टेम्परेचर इंक्रीजेज द एफिशिएंसी है, तो उसको एक हॉट परकोलेशन भी मेथड है. देन रिजर्व परकोलेशन होता है, इसमें क्या करते हैं जो फर्स्ट पार्ट होता है परकोलेट का उसको रिजर्व करके रख लेते हैं और जो सब्सिक्वेंट जो बचेगा वो कलेक्ट कर लेते हैं हम अलग से. मोस्ट ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आर इन द फर्स्ट जो परकोलेट होता है उसमें निकल जाते हैं, जो सेकेंड परकोलेट होता है उसके अंदर लेस एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आते हैं बाहर. सर्कुलेटरी परकोलेशन होता है, इसमें मेंस्ट्रम को हम कंटिन्यूसली सर्कुलेट करके रखते हैं. डिफ्यूज परकोलेशन होता है, मेंस्ट्रम इज मेड टू फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से अंडर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. फिर होता है डाइकोलेशन, सेम इज डिफ्यूजन जस्ट इंस्टेड ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर ऑफ कंप्रेस्ड एयर इज यूटिलाइज इन दिस. नेक्स्ट मेथड इज इन्फ्यूजन. इन्फ्यूजन में हम अब क्या करते हैं, इट इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विटामिंस, वॉलेटाइल इंग्रेडिएंट्स एंड सॉफ्ट इंग्रेडिएंट्स इन विच द पाउडर ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड विद वाटर कोल्ड वाटर. इसमें आपको देखिए क्या करना है, अपने पाउडर ड्रग को सॉक कर लेना है हॉट या ल्यूक्वम पानी के अंदर इस स्पेसिफिक पीरियड विद और विदाउट स्टरिंग, उसको फिल्टर कर लेते हैं, फिर मार्क को प्रेस करते हैं एंड एक्सट्रैक्ट अगेन विद फ्रेश पॉट और ल्यूक्वम वाटर के साथ फिर से आपको एक्सट्रैक्ट करना है. देन आता है डिकॉक्शन. डिकॉक्शन क्या होते हैं, डन बाय बॉइलिंग से होते हैं. इसमें ड्रग को हम बॉयल करते हैं पानी के साथ फॉर मिनट्स टू आवर्स और फिर हम फिल्टर करते हैं. इट इज सुटेबल फॉर द ड्रग्स डेट आर हार्ड इन नेचर, जो हार्ड रहेंगे नेचर में एंड कंटेनिंग वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनमें एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय प्रोलॉन्ग हीटिंग से, जो इफेक्ट नहीं होते हैं. देन आता है फिर हॉट कॉन्टिन्यूस काउंटर एक्सट्रैक्शन मेथड, इसको हम सॉक्सलेट मेथड भी बोलते हैं. प्रेफर्ड मेथड एक्सट्रैक्शन का, सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज मेड टू सर्कुलेट थ्रू द एक्सट्रैक्टर ऑफ द ड्रग बाय इवेपोरेशन एंड सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन इसमें चलता रहता है. फिर आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स, वाटर डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, स्पॉन्ज मेथड, इक्विले मेथड, मैकेनिकल मेथड, बहुत सारे मेथड्स हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स के. इसमें देखिए हम क्या करते हैं, ये आपने लिया मिक्सचर है सैंपल और वाटर का, हीटिंग मेंटल में हमने हीट करा, स्टीम आई, स्टीम कंटेनिंग असेंशियल ऑयल्स, असेंशियल ऑयल क्लीमेंजर एपरेटस या वॉलेटाइल के लिए है. क्लीमेंजर एपरेटस से क्या होगा, स्टीम ऊपर जाएगी, यहाँ पर पानी इनलेट है, ठंडा पानी आ रहा है और पानी जा रहा है और अंदर पानी सर्कुलेट कर रहा है, तो उससे क्या होगा, वाटर जो है वेपर्स में और असेंशियल ऑयल यहाँ पर रह जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा. फिर वाटर यहाँ से जब होएगा, ऑयल नीचे कलेक्ट हो जाएगा, वाटर यहाँ से साइफन ऑफ, यहाँ पर पानी फिर आ जाएगा. ये था हमारा वाटर, फिर से फिर ये ऊपर जाएगा, जितना इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट हुआ था वाटर ऑयल यहाँ से आके कंडेंसर से कंडेंस करेगा, फिर ये वेपर आए थे वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो यहाँ से चले जाएंगे वेपर्स और ऑयल यहाँ नीचे आ जाएगा. दिस इज अबाउट द क्लीमेंजर एपरेटस, सेपरेशन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल. स्टीम डिस्टिलेशन से कैसे करते हैं, देखिए पानी है पहले स्टीम बनेगी इसकी, स्टीम में वेपराइज वाटर और असेंशियल ऑयल्स होंगे, यहाँ पर असेंशियल ऑयल्स हैं ऊपर आएंगे, कोल्ड वाटर आ रहा है यहाँ कंडेंसर का काम कर रहा है, हॉट वाटर जा रहा है, उससे फिर यहाँ पर फ्लोरल वाटर्स आ रहे हैं. एनफ्लोरेज मेथड है, इट इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम डेलिकेट प्लांट पार्ट. फैटी मटीरियल को क्या करते हैं, लॉट टू टेलो इज यूज, फैटी मटीरियल को हमने बिछा देते हैं किसी भी एक पेपर पर, लगा लो लगा लिया, 24 आवर्स तक रखेंगे, फ्रेश पेटल्स को लॉड करते रहेंगे कंटिन्यूस टिल फैटी मटीरियल इज सेचुरेटेड, कोल्ड एनफ्लोरेज मेथड है. फैट को हीट एंड पेटल्स आर स्टर्ड करते रहेंगे, स्ट्रेन कर देंगे, न्यू पेटल डालते रहेंगे, फैटी मटीरियल इज डिजॉल्व इन अ सुटेबल लिपोफिलिक सॉल्वेंट, इवेपोरेट इथेनॉल टू फॉर्म है प्योर फ्रेग्रेंस और फैट इज यूजली यूज फॉर सोप मेकिंग. So this is about the extraction of volatile oils. So thank you for watching the video.